हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका फीचर्स देखिएगा, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पे क्या होती है, डेली लाइव क्लासेस होती है, आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। मोर इंटरेक्टिव में आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर कोर्सेस है, कोर्सेज सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा और टाइम के साथ पूरा होगा। अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो जितने भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबल डिवाइसेस से एक्सेस कर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। 5000 दिस इज 6K, दिस इज 15K, दिस इज 24K, दिस इज 30K, दिस इज 36K। अब जो 10% का डिस्काउंट है बच्चों, द 10% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक मंथ का पर मंथ चार्ज कितना है, 5400, 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का कितना है, 3600, 12 मंथ्स का 2250 और 24 मंथ्स का 1350। सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, 12 और 24 मंथ्स के लिए। ठीक है बच्चों, आज से हम क्या करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि हीट एंड टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, ये वन ऑफ द 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर। और टेम्परेचर पहला, ठीक है चलिए देखिएगा ध्यान से, पहला ये फंडामेंटल है। दूसरा टेम्परेचर आपका मान लीजिए डिफरेंस है, हम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यदि मान लीजिए ये रॉड है ना। अब हीट का ट्रांसफर का एक ये मीडियम है, हीट का ट्रांसफर होने का क्या एक मीडियम, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, कंडक्शन प्रोसेस हम आगे देखेंगे। ये मान लीजिए यहाँ T1 है, इस एंड का T2, राइट। ये T1 ग्रेटर T2 होगा तभी आपका हीट जो Q है जो ट्रांसफर होगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों, तभी हीट आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे रॉड को हम क्या करते हैं, फायर में रखते हैं, तो एक एंड का टेम्परेचर बढ़ता है, हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है। तो टेम्परेचर क्या है, बॉडी की हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताती है। बॉडी क्या बताती है बच्चों, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हीट एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये एक क्वांटिटी नहीं है। हीट एनर्जी को मीडियम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, मतलब मैं आपका मीडियम का टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट ट्रांसफर होगा, राइट। ठीक है ना, जैसे जैसे हीट आपका बढ़ेगा, फायर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने आग में रख रखा है, टाइम के साथ दे रहे, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी मॉलिकुलर थ्योरी की बात करते हैं, उसमें जानते हैं ना कि आप रैंडमनेस, मॉलिकुलर का रैंडमनेस है ना। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। KTG में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर मॉलिकुल्स का जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करता है, या इंटरनल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए जो मॉलिकुल्स का रैंडमनेस है पूरा, किस पे, टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे मॉलिकुल्स के वाइब्रेशन बढ़ेगी है ना, और एनर्जी इंटरनल एनर्जी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, राइट। चलिए अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर उस सिस्टम का सराउंडिंग के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये T1 और T2 इक्वल होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा, नो हीट का लॉस होगा। मान लीजिए बच्चों ये सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, और सिस्टम ये क्या है सराउंडिंग, मान लीजिए टेम्परेचर T1 है T2, ये डिफरेंस होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। बट ये T1 इक्वल टू T2 हो जाए तो एनर्जी ट्रांसफर क्या, डेल क्यू जो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा, एनर्जी जीरो। बताइए यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या है कंडीशन, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक क्या देखेंगे इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हीट एनर्जी की बात करते हैं।
तो हीट एनर्जी क्या है आपको पता है? हीट एनर्जी आपको ये क्या है, नॉर एनर्जी आपको पता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में है ना। हीट एनर्जी आपका ट्रांसफर होता है किसी बॉडी में किसके कारण से, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से। हम आगे देखेंगे हीट एनर्जी का पर रेट से, कंडक्शन देखेंगे, कन्वेक्शन देखेंगे, रेडिएशन देखेंगे, तीन तरीके से हीट का ट्रांसफर होगा। सबसे फास्ट वे होता है रेडिएशन। सबसे फास्ट वे क्या होता है बच्चों? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या? सन से जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है 3×10^8 m/s। ठीक है, तो ये सब चीज थ्योरिटिकल चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो हीट का ट्रांसफर देखें किस किस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में इस रॉड है, आपने क्या किया है, मीडियम को ही हीट दे रहा है। कन्वेक्शन में जो मीडियम होता है वो फ्लूइड, जैसे लिक्विड, लिक्विड जो भी है ना। और रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना। तो हीट एनर्जी हम आगे जो चैप्टर्स में हम यही डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों थर्मोमीटर स्केल्स, जो थर्मोमीटर स्केल्स है वो किस तरह से काम करता है, फारेनहाइट, सेल्सियस, है ना। और जो हम किसी भी इनके कंपेयर में हम इसको आइडियल रखते हुए हम किसी भी रेसिस्टेंस, जैसे पायरोमीटर है, सन का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करता है पायरोमीटर, तो रेसिस्टेंस का भी थर्मोमीटर बना सकते हैं। तो इसको आइडियली एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हुए हम इसको थर्मो, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे चैप्टर से, थर्मोमीटर स्केल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जानना था आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, राइट। हीट रिक्वायर्स क्या, टेम्परेचर डिफरेंस टू फ्लो, ये एक मीडियम है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है, दैट इज व्हाट टेम्परेचर। ओके, वीडियो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू।